तो राजस्थान जेई का एग्ज़ाम हो चुका है आज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। पेपर पे कुछ लिखा नहीं था नेगेटिव मार्किंग रिलेटेड, जैसा कि आपने प्रीवियस पेपर्स देख लिए थे इलेक्ट्रिकल के, उनमें भी कुछ लिखा नहीं था। तो कुछ यहाँ पे उनको देख कर हमें लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है? तो देखो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे अननोन जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कार्निज मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, ये तीन जो मेथड हैं ये आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कॉलम एनालॉजी फोर्स मेथड है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कॉलम एनालॉजी मेथड। नेक्स्ट है द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई यूनिट लोड, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और अगर हम बात करते हैं स्टिफनेस की तो लोड अपॉन जो डिफॉर्मेशन होता है उसको स्टिफनेस कहते हैं। फिर डेंसिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो डेंसिटी इंडेक्स की रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है, और इक्वल टू भी अगर 0 है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। वेल ग्रेडेड कोई भी सॉइल है, ठीक है, वो उसका जो कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। अगर हम कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी की बात करते हैं, तो वो आपका सैंड के लिए 4 हो जाता है, 6 हो जाता है सॉरी, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 4 हो, ठीक है, 4 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी इज प्रेजेंटेड बाई, उसको ML से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच द डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल, तो डार्सी लॉ जो मैक्सिमम साइज है वो 0.5 mm होती है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद में है द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल, तो कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल जो है दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, क्योंकि कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूले में आता है WL-10 और WL- जो भी वैल्यू जाती है, तो जितना WL लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी उतना ही कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बल विद व्हेन रोल्ड इन टू द थ्रेड्स ऑफ 3 mm, तो उसको हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ऑटोकैड के अंदर जो सर्किल होता है उसमें ग्रिप पॉइंट्स 5 होते हैं, और ग्रिप पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे ब्लू जो है ब्लू डॉट आता है। ठीक है, तो ब्लू डॉट अगर सर्किल की बात करते हैं वहाँ पे 5 पॉइंट्स पे आता है ब्लू डॉट। ठीक है, 50 है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एस्टिमेशन, उसके अंदर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, वो जो हाफ विड्थ ऑफ वॉल ईच साइड में हम लेते हैं उसको। ठीक है, 51 है व्हाट इज़ द टोटल प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस इंक्लाइंड थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको थीटा जब एंगल यहाँ पे इंक्लाइन जो आपकी सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, तो इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो PA वैल्यू आती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 और 28 दिन की 2/3 होती है, 3 और 28 दिन की बात करें तो 1/2 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 53, इसका आप देख लीजिए कि इवेंट 7 जो है दैट कैनॉट अकर आफ्टर इवेंट 4, सॉरी इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4, तो इसमें से जो इनकरेक्ट है, ठीक है, वो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है कि जो 7 जो इवेंट है 7th, ठीक है, वो 4 के बाद हो सकती है। ठीक है, इवेंट 5 फॉलो इवेंट 3, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो 5 इवेंट है वो 3 के बाद होती है, तो दूसरा सही है। इवेंट 7 जो है 6 से पहले होती है, तो पहला भी सही है। घटना 3 और घटना 4 घटना, ठीक है, 2 के बाद होती है, तो 3 और 4 2 के बाद होती है, तीसरा भी सही है। तो घटना 7 घटना 4 के बाद हो सकती है। ठीक है, तो जो 7th इवेंट है वो 4th के बाद नहीं हो सकती, तो 4th इसमें जो है। 54 क्वेश्चन है डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज ऑरिफिस, इसका ऑप्शन डी सही है इसमें।
55 है इमल्सल पैन, कंटेन इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं जो क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ वो गलत है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा ताकि हम जो हैं उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सके आंसर की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस टेंशन इन द बोस सोप बबल। तो सोप बबल में जो सरफेस टेंशन होता है उसके लिए आप देखिए डिफरेंस इन प्रेशर होता है 4σ/d होता है, यहाँ पे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये रिड्यूस लेवल का सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आप ऑप्शन डी इसमें आंसर आता है। क्लोज कॉइल स्प्रिंग स्प्रिंग कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो अगर हम सीरीज में बात करते हैं तो 1/K1 + 1/K2 आता है, और पैरेलल में बात करें तो सीरीज की तरह मतलब K1 + K2 आता है, तो उससे हम इनका रेशियो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव टू हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट स्टैंड फॉर्मूला है T=H1H-1/G-T। लूज नीडल मेथड में हम हर पॉइंट पे ट्रावर्सिंग स्टेशन को सेट करते हैं और वहाँ से रीडिंग लेते हैं। फास्ट नीडल में क्या होता है कि एक स्टेशन पे ही रखते हैं और उससे ही काफ़ी सारे रीडिंग्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल ऑफ ए रबर बबुल हैज़ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.5। देखो पॉइजन रेशियो गिवन है यहाँ पे, आपको पता है जो मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस होता है वो डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब जब यहाँ पे आपका पॉइजन रेशियो हो 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है पॉइजन बल्क मॉडुलस की वो इन्फिनिटी हो जाती है। फॉर्मूले में जब आप रखते हो ये 3K1 - 2μ में, तो के की अगर वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो वहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो 0 यहाँ पर आंसर आता है। नेक्स्ट कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर D30² / D60 D10। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर सॉइल मास का 0 है तो वो सैंड है, ठीक है। इसको कल आप M+R - 2J, क्योंकि यहाँ पे प्लेन स्ट्रक्चर है और ठीक है, और प्लेन स्ट्रक्चर 2D में है तो उसके लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है M+R - 2J, ठीक है। यहाँ से M मेंबर्स कैलकुलेट कर काउंट कर लो और जितने जॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 4 आंसर आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शन इन ए कॉन्जुगेटेड बीम गिव्स द डिफ्लेक्शन, और शेयर फोर्स जो होता है वो देता है आपका स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम की बात करते हैं हम अगर, तो वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है 3M+R - 3J = 0। और अगर हम आपका जो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम होता है उसमें आप देख लिए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम 3M+R - 3J होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो वेरीज बिटवीन 0 to 0.5, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल गिवन है, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे गिवन है, तो BD³/12, इसमें पैरेलैक्स थ्योरम नहीं यूज होगी। नेक्स्ट रिलेशन E=3K1 - 2μ होता है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है 1/m लिख रखी है पॉइजन रेशियो की। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंट्रल में अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है सेंटर पॉइंट को लग रहा है तो WLQ/48EI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिकल पैराबोलिक, इसमें एक क्वेश्चन है कि पैराबोलिक आर्च है 19 मीटर इसकी स्पैन है, 4 मीटर इसका राइज है, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आती है UDL लगा है 1.5 टन/मीटर का, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू होती है WL²/8H, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट गिवन है, फाइनेस्ट मॉडुलस फाइन एग्रीगेट गिवन है, तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट 6.4 है, तो आपको फाइन एग्रीगेट का रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे होगा 7.6, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा, देखो यह कैलकुलेशन जिसने करके गलत है, यहाँ पे 25% जो है आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट फील्ड कैपेसिटी का जो क्वेश्चन है इसमें 12 सेंटीमीटर आंसर सही है, ठीक है। इन कॉलम एनालॉजी द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर ए फिक्स बीम ऑफ स्पैन एल, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 76 का आप देख के बताइए, मेरे को अभी इसको किया नहीं तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं बैठा 76 का। 77 जो है इसके अंदर आप यूज करोगे कि अगर सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगल बीम है स्पैन एल और डेप्थ डी का जिस पे सेंटर पॉइंट लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन तो आपको पता है WLQ/48EI होता है और बेंडिंग स्ट्रेस M/Z होता है,
तो एम मोमेंट कितना आएगा, पॉइंट लोड आ रहा सेंटर पे, डब्ल्यू एल बाई फोर मैक्सिमम, और जेड होता है एक रेक्टेंगल है तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स हो जाएगा। तो उससे आप कैलकुलेट करोगे तो एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई डी आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैक्सिमम जो रेडियल मोमेंट होता है एक सर्कुलर स्लैब में वो 3/16 डब्ल्यू आर स्क्वायर होता है। द प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से हम बात करते हैं पॉजिटिव में जाते हैं गेज प्रेशर, नेगेटिव में जाते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स इन रेवेन्यू चेन 16 होती हैं, सिंपल कैलकुलेशन है 38 आ जाएगा इसमें। अगर प्राइस डिफरेंस रिवाइज 5% से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जो हमने प्रिपेयर किया और सेंक्शन में, तो उस कंडीशन में हम क्या रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है वो हॉर्नर ने दी थी, डब्ल्यू डब्ल्यू हॉर्नर ने। 84 में है लेसिस सिल्ट थ्योरी पर, जो पैरीमीटर होता है वो 4.75 रूट क्यू होता है, तो क्यू की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक कैनाल विच इज अलाइन एट राइट एंगल टू द कंटूर, साइड स्लोप कैनाल होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, जो भी आपका कंटूर है उसका। क्रॉप रिक्वायर्ड टोटल डेप्थ गिवन है आपको, बेस पीरियड गिवन है डेज में, तो 8.64 बी बाई डी कैलकुलेट करोगे तो 1056 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट गैरेट्स डायग्राम कैनडी थ्योरी में यूज़ किए जाते हैं। क्लैपेरॉन थ्योरम जो थ्री मोमेंट थ्योरम है उसको क्लैपेरॉन थ्योरम भी कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसको कहते हैं। लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज जो हैं वो जनरेट होती है बॉटम से प्लस साइड स्लोप, जो उनका वर्टिकल कंपोनेंट होता है एडीज का, वो सिल्ट को क्या करता है वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिससे वो सस्पेंशन में रहती है जो भी आपकी सिल्ट होती है। तो सिल्ट को सपोर्ट कर रही है कौन सी एडीज, जो बॉटम से जनरेट हो रही है और साइड से जनरेट हो रही है दोनों। नेक्स्ट है वेटेड पैरामीटर ऑफ रिजाइम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 64, 4.75 रूट क्यू फॉर्मूला लगाएंगे और क्यू की वैल्यू 64 है, जो आपका 8 आ जाएगा, 8 × 4.75 करेंगे 38 आ जाएगा फॉर्मूला। ये वापस आ गया 8.64 बी बाई डी, ठीक है। किसी को याद नहीं आ रहा होगा फॉर्मूला, यहाँ से देख के और पिछला क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, है ना। 93 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है नेगेटिव में 0.0112 d² और कर्वेचर करेक्शन होता है आपका प्लस में 0.0785 समथिंग d², ओके। और रेशियो की बात करते तो 1/7, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्हाट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए क्वाड्रेंट बियरिंग, नॉर्थ 15°28, जो वेस्ट, अब ये फोर्थ क्वार्टर में इसमें क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 माइनस 15° और 28 मिनट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 344 और 32। एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच को, इस एंगल को कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड पैरेलल कर्व्स, ऑटोकैड में ऑफसेट से हम ये वाले जो पैरेलल लाइंस हैं कितनी भी, जब आप वो एंटर करते हो फिर आपको ऑफसेट डिस्टेंस पूछता है, तो फिर आपको कितनी दूर पे उसको ऑफसेट कराना है, कितने ऑफसेट कराना है, तो आप सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या पैरेलल कर्व्स किस तरीके का भी ऑफसेट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। विच मोड अलाउज द यूज़र टू ड्रो 90° स्ट्रेट लाइन, तो 90° स्ट्रेट लाइन के लिए ऑर्थो के लिए शॉर्टकट की होती है F8, तो जब आप F8 क्लिक करते हो तो जो आपकी लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर हो 90° पे खींचती है। उसके बाद एक ब्रिक मैसनरी जिसमें जो भी पॉइंट बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं वो अल्टरनेट हेड्रॉन स्ट्रेचर जो इंग्लिश बॉन्ड में होते हैं। नेक्स्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड गुड बिल्डिंग स्टोन जो 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ ए प्लेट गर्डर दैट करस्पॉन्डिंग टू, ऑप्शन जी इसमें करेक्ट होगा, मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग। 101 का क्वेश्चन है बियरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर, बियरिंग स्टिफनर होती है वो बकलिंग को प्रिवेंट करती है, वेब की बकलिंग, जो एक वेब होता है वेब बकल हो सकता है, तो उसमें बियरिंग स्टिफनेस अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं बकलिंग कम हो जाती है। द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट शुड बी डैश ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन द स्लैब, तो कितना होना चाहिए। देखो अगर माइल्ड स्टील है तो उसमें 0.0015 होना चाहिए, और अगर 0.HYSD बार है तो 0.0012। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, आपको ये अज्यूम करना है कि मिनिमम कितना। अगर मान लो वहाँ पे आपको पता नहीं कौन सी साइट पे कौन सा स्टील है,
तो आपको अगर आपने 0.0012 प्रोवाइड करा दिया और आप वहाँ पे माइल्ड स्टील अवेलेबल है तो वहाँ फेल हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। 4M150 ये क्वेश्चन जो है ये पुराना जो कोड है, जो IS-456 जो पुराने एडिशन थे 1978 और 64, उनसे लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, जो कि 10 kg/cm² आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम OPC की होती है वो 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और फाइनल सेटिंग 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 105 का आंसर है सी, ठीक है। 106 का होगा टेबलर और थ्रो कंपास। एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 mm प्लास्टिंग विद सीमेंट मोर्टार, ये इसका आंसर होगा 8 square meter। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पे हम फोर साइड भी लेते हैं और बैक साइड भी लेते हैं, ठीक है। एगेट कैप जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास में फिट होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। फिर आता है प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, वो आता है आपका 4 σ/d। इससे ही आपका एक सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल वाटर ड्रॉपलेट का, वो आप कर सकते हो। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन CPM, तो CPM में एक्टिविटी बोलते हैं, पार्ट में उसको इवेंट बोल देते हैं, ठीक है। विच इज़ द सिंबल यूज फॉर द वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो GW जो है उसके लिए हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डेड सीमेंट में, जिप्सम को रिटार्डेड की तरह एक्सटर्नली हम जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट में, ताकि जो इसका सेटिंग टाइम है वो जल्दी आपका मिनिमम 30 मिनट तो रह ही रहे है ना। तो जिप्सम जो है रिटार्डर की तरह काम करता है और कैल्शियम क्लोराइड जो एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे पूछ रहा है रिटार्डर, तो आपको जिप्सम आंसर देना होगा। जो फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट एंडोजिनस, तो बम्बू एक जो है एंडोजिनस ट्री नहीं है, ठीक है। क्विक लाइम जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टो इक्वस टू μdU/dy, जो dU/dy है ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है उसका एक रिलेशनशिप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, तो आपको पता है यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। तो अब सेकंड को आप लिख सकते हो टी में और मीटर को आप एल में, तो यहाँ पे आपका न्यूटन है, न्यूटन होता है फोर्स, तो फोर्स इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट रख सकते हो और मास की यूनिट एम रख सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आता है। नेक्स्ट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, A1V1 = A2V2। और अगर आपकी जो डेंसिटी वो कांस्टेंट नहीं होती है तो ρA1V1 = ρA2V2 आता है। डिस्चार्ज ओवर ट्रेंगुलर नोच और वियर, ट्रेंगुलर में आता है 8/15 CD, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। जितने भी मैंने यहाँ पे आंसर्स बताए हैं इनमें से हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 2 या 3 क्वेश्चन या कुछ ज़्यादा, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, किसी का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। और आपको अगर वो लगता है कि ये क्यों करेक्ट है तो उसका आप एक जस्टिफिकेशन दीजिए कि इस वजह से ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे उसको, एक फाइनल जो है आंसर की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो जो मैंने बताया है मेरे अकॉर्डिंग 99.9% सारे आंसर जो हैं सही हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में आंसर ये होना चाहिए तो वी कैन डिस्कस हेयर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।